सब ठीक है मम्मी, आप सुनाओ। क्या करूं मम्मी, मेरे तो ना मायके आने के नाम से ही उनका मुंह बन जाता है। पता नहीं उनको मेरे मायके आने से क्या प्रॉब्लम है। बड़ी दीदी है ना, जब भी कहेंगे ना कि मुझे मायके जाना है, फट से हाँ कर देंगी। ये भी नहीं पूछेंगे तू कितने दिन के लिए जा रही है। पता नहीं मुझसे ही क्या ऐसा, मेरा ना सही में इतना खून फूकता है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। हाँ मम्मी, सारा दिन है ना फोन से चिपकी रहा कर। ये नहीं है कि घर में काम भी है, ऐसी माँ है संग संग चिपकी रहेगी फोन पे वो भी। अरे इतनी लड़ लड़ाने थे तो शादी क्यों की थी, रख लेती घर पे ही। मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ना कर ले, क्यों रख रही है फोन, और कर दे बुराई मेरी एक दो और बता घर की एक एक बात बता। मेरी सास ने है ना खूब दुखी कर रखा और खूब अत्याचार कर रही है मेरे ऊपर। मम्मी जी आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बुराई करती हूँ मम्मी के सामने? मैं तो बस हालचाल पूछ रही थी। रहने दे रहने दे, अच्छे से जानती हो तुम माँ बेटी को मैं, जितने तुम दूध की धुली हो। मम्मी जी आपको मेरे घर पर फोन करने में भी परेशानी है, घर जाने की बात कहूँ उसमें भी परेशानी है, घर आप मुझे जाने नहीं देती, कम से कम फोन पर तो बात करने दिया करो। बड़ी दीदी से तो आप कुछ भी नहीं कहती हो, वो हर दूसरे तीसरे महीने घर चली जाती हैं, उनके घर से भी कोई ना कोई आया ही रहता है, उनसे तो आप कुछ भी नहीं कहती हो, मुझसे क्यों इतना? देख कान खोल के सुन ले, तू उससे बराबरी मत कर अपनी, बड़ी है वो और तू है छोटी, तो बड़ी बनने की कोशिश मत कर, समझी? हाँ जी मम्मी जी, सुन बहू, मैं ना थोड़े दिन के लिए ना रेनू के यहाँ जा रही हूँ, तो तू छोटी बहू का ध्यान रखियो कि वो कहीं मेरे पीछे से ना अपनी माँ को फ़ोन ना करे। और ऐसे ही है उसकी माँ का भी, फ़ोन पे ना बहुत वो करती है वो, तो ध्यान रखना उसका। और कभी वो ये सोचे कि सास तो गई मेरी और मैं है ना अपना फ्री हो गई अब, तो तू है ना उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना। मम्मी जी आप बेफिक्र होके जाओ, मैं इस घर को और उसको अच्छे से संभाल लूँगी, आप यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करो। ठीक है मैं जा रही हूँ, ध्यान रखना जरा। ठीक है मम्मी, ठीक है भाभी भी, ठीक है दीदी। मेरी भाभी आ रही है मुझसे मिलने, मैंने मम्मी को भी बुला लिया। अब मेरा तो वहाँ जाना हो ही नहीं पाता, तो मैंने उनको यहीं बुला लिया। दीदी आप मेरी थोड़ी मदद करवा दोगे उनके लिए खाना बनवाने में? और हाँ आप है ना प्लीज़ मम्मी जी को मत बताना कि वो आ रहे हैं, नहीं तो बेवजह घर में कलेश हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो सब करवा दूंगी, तू चिंता मत कर। और नहीं तो उनको उनको तो मैं ऐसा स्वागत करूँगी कि सब देखते रह जाएंगे। अरे हाँ उनके आने से पहले एक धमाका भी तो होना चाहिए। क्या करूँ क्या करूँ, आइडिया। छोटी बहू मैंने तुझे मना किया था ना कि अपने मायके वालों को यहाँ नहीं बुलाएगी, और फिर तूने है ना मेरे पीछे से फोन करके उनको बुला लिया। वो तो भला उस बड़ी बहू का कि उसने मुझे है ना सब बता दिया, नहीं तो आने दे मुझे घर पे, तुझे तो मैं आके बताती हूँ। शाम होने को आ रही है, इसकी तो मम्मी और भाभी आए ही नहीं, क्या बात हो गई? जाके पूछती हूँ आखिर बात क्या हो गई है, क्यों नहीं आई? शाम होने को हो रही है। अरे प्रिया अब तो शाम होने को आई, तेरी भाभी और मम्मी नहीं आई, क्या हुआ? वो तो आने वाले थे ना आज। मैंने उनको मना कर दिया दीदी। क्यों मना क्यों कर दिया? क्यों, कमाल है दीदी आपका भी, सब कुछ जानते हुए कितना अनजान बनने की कोशिश कर रही हो आप, आग लगा के खुद ही पूछ रही हो कितनी भाभी क्यों नहीं आ रही। ले कैसी बात कर रही है, मैंने भला क्या कह दिया? क्योंकि जब तक घर में कलेश ना हो जाए ना आपका दिन पूरा नहीं होता, मम्मी जी के सामने आग लगाकर खुद ही पूछ रही हो,
आपको अच्छे से पता है कि मम्मी जी को मेरे मायके वाले पसंद नहीं है, ना उन्हें मेरे मायके जाना पसंद है, ना मेरे मायके वालों का उन्हें यहाँ आना पसंद है। अरे यहाँ तक कि उनको तो मेरा फोन पर बातें करना उनसे पसंद नहीं आता। सोचा था मैं वहां नहीं जा पा रही तो उन्हें यहाँ बुला लेती हूँ, मौका अच्छा है। पर आपने तो, आपसे मैंने थोड़ी सी मदद मांगी थी ये सोचकर कि आप शायद हम माँ बेटी का दर्द समझोगी, पर मेरी सोच ही गलत थी। एक बात बताओ दीदी, आप भी हर दूसरे तीसरे महीने अपने मायके चली जाती हो ना, आपका मन करता है ना अपनी माँ से मिलने का? अरे आपके मायके से तो कोई ना कोई यहाँ पे भी आया रहता है, फिर भी जरा मेरी सोचो, क्या मेरा मन नहीं करता अपनी माँ से मिलने का? क्या मेरी माँ का मन नहीं करता होगा मुझसे मिलने का? शायद आप नहीं समझ पाओगे दीदी, क्योंकि आपको अपना दर्द दिखाई देता है, मेरा दर्द नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दीदी, इस बार अगर आपके मायके वाले कोई भी, चाहे आपकी माँ हो भाभी हो, अगर कोई भी यहाँ आया ना, तो आपने जो ये चेहरे पे अपना नकाब लगा रखा है ना, वो मैं सब उनके सामने उतार दूंगी और उनको बता दूंगी कि आप मेरे मायके वालों के साथ और मेरे साथ क्या करती हो। इस बात का ध्यान रखना। मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, पर आपने ना मुझे मजबूर कर दिया। अरे मैंने तो आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन की जगह माना था, पर आपने तो नहीं। प्रिया मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हमेशा मम्मी के सामने खुद को अच्छा और तुझे बुरा बनाती रही, मैं हमेशा तेरे खिलाफ उनको भड़काती रही। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो ऐसा कर, अपनी भाभी को और मम्मी को यहाँ बुला ले, हम दोनों मिलके मम्मी जी को समझा देंगे। अब से मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी, एक बड़ी बहन की तरह।